अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि जो इंटर पास कर लेंगे और जो दसवें में एडमिशन लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ लैपटॉप की उनकी बात सुनकर के जनता लोटपोट हो जा रही कि नहीं हो जा रही? इसलिए आजमगढ़ के लोगों से क्या कहना, ये तो पहले से ही साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और मुझे तो ये लगता है कि इस बार आजमगढ़ में इतना धुआंदार वोट पड़ने जा रहा है कि धुआं उड़ाने वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। ये मान लें कि सब 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन सावधान रहना इनके नेताओं से। इनके नेता जो छोटे वाले हैं, जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? और ये राशन देने की बात कह रहे हैं कि राशन को लेकर के बहुत सुना रहे हैं। इसलिए हम अपने सभी लोगों को कह के जा रहे हैं कि ये राशन पहले ये नवंबर तक दे रहे थे, अब ये मार्च तक दे रहे हैं। बीजेपी वालों से पूछिए, आपने यूपी के बजट में पैसा नहीं रखा राशन का, न दिल्ली के बजट में पैसा रखा राशन का, और आप किस भरोसे पे जनता को राशन बांटोगे? तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार